चल चल इसे नहीं देखना। सारा जग घूम आ मैं, सारे रास्ते ढूंढ आ मैं, अपने घर का पता जाने क्यों भूल आ मैं। जिस मोड़ से मुड़ गया मैं, औरों से क्यों जुड़ गया मैं, अपनों से ही खता जाने क्यों। तुम्हें पता है कि मैं ये काला चश्मा क्यों पहनती हूँ? ताकि तुम जैसे गरीबों की नजर मुझसे न टकराए। पर तूने आज मुझे देखने की जरूरत की, तो उसकी सजा तो तुझे मिलनी चाहिए ना। दोबारा आंख उठा के कभी मत देखना। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अगर इतनी गरीबों से नफरत है तो इस कॉलेज में पढ़ी क्यों रही है? अमीरों वाले कॉलेज में पढ़ना चाहिए था ना उसे। इसे अपने पैसों पे इतना घमंड है कि इसका बस चले तो ये गरीबों पे बुलडोजर चला दे। इसे इतना नफरत है ना गरीबों से, कल मैं उसे आंख उठा के देखूंगी, फिर देखती हूँ क्या करता है वो। चलो तो नहीं यार, मैं काफिर तो। मैंने पूछा तुम मुझे क्यों घूर रही हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रही हूँ? उसका मतलब तुम भी मुझे देख रही हो? अब बताओ क्यों देख रही हो मुझे? अमीर हो इसलिए जब कोई तुम्हें देखता है तो तुम उसे थप्पड़ मार देती हो, और जब तुम देखती हो तब क्या? तो सोचो उस हिसाब से तुम्हें कितना थप्पड़ पड़ना चाहिए। क्यों, क्या हो गया? बोलती बंद होगी थप्पड़ के नाम सुन के? तो सोचो जब तुम गरीबों को जलील करते हो तो उन्हें कैसा लगता होगा, पर हम तुम जैसे नहीं। जाओ माफ किया। तो हमारे पास ही आ रही है। सारा जग तुम शायद गलत रास्ता पे आ गई हो। यही सही रास्ता है, मैं एकदम सही जगह पे आई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। और देखो मैं जिस कल्चर में बड़ी हुई हूँ ना, वहाँ गरीबों से ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, इसीलिए मैं वैसे ही बन गई। तो इसमें मेरा क्या गलती बोलो? किसी ने मेरा सोच बदलने का कोशिश ही नहीं किया, पर तुमने ये कर दिखाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या मुझे अपना दोस्त बनाओगी प्लीज? तुम्हारा ये चेंजेस देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आज से हम फ्रेंड्स फ्रेंड्स। बात ये सुन ले वो खुदा, के आज कोई दुआ करो मेरे लिए, के आज कोई दुआ करो। आ गए तुम दोनों? हाँ ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ और अलीना तुम कल सेम जगह पे रहना, मैं पिक करने आऊंगी। ओके ओके। अगर मैं चाहती ना तो तुझे जान से मार सकती थी, पर मैंने तुझे जिंदा छोड़ा। पता है क्यों? ताकि तुझे पता चले कि मुझसे जुबान लड़ाने का अंजाम क्या होता है। ये क्या कर दिया तुमने? दोस्ती का हाथ बढ़ा के खुद ही दोस्त को मार दिया। वो सब तक बस एक दोस्ती का दिखावा था, तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाने के लिए। लेकिन अगर मैं इसे मार भी देती ना तो भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसे कहते हैं पैसों की गर्मी। ये लो पैसे और ट्रीटमेंट करवा लेना इसका। चाहे तुम लोगों की कितनी भी गलती क्यों ना हो, शराफत को पैसों के बीच लाना ही है। तुम जो ये पैसे का घमंड दिखाते हो ना, एक दिन ऐसा आएगा कि ये पैसा तुम्हारा कुछ काम नहीं आएगा। पैसों से सब कुछ पाया नहीं जाता है, एक दिन तुम्हें जरूर एहसास होगा। हाँ देख लेंगे। अरे इसे हॉस्पिटल ले चलते, इसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है। डॉक्टर सुबह अब कैसी है? उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उसके ब्रेन में चोट आई है, उसके बचने का चांसेस बहुत कम है। क्या आप उसे मिल सकते हैं डॉक्टर? ठीक है पर ज्यादा बात मत करना। जी डॉक्टर। सुन ले वो खुदा, के आज कोई दुआ करो मेरे लिए, के आज कोई
मैंने तुम लोगों के साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम लोग मुझे हॉस्पिटल ले आए। तुम रो मत, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, हम बस यही चाहते हैं। मैं अब ठीक नहीं हो सकती, मेरे पास टाइम बहुत कम है। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैंने डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी। इसके ब्रेन में बहुत बड़ी गहरी चोट आई है, अब इसका बचना नामुमकिन है। जितने भी पैसा खर्चा क्यों ना करो, सब अभी वेस्ट है। अपना हूँ तो नहीं, तुम लोगों ने सही कहा था कि पैसे से सब कुछ नहीं पाया जाता। आज मेरे पास इतने पैसे होकर भी मेरा कोई काम नहीं आ रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर! सॉरी, सी यू नो मोर। आज इस रात की कोई